वेलकम यूट्यूब, दिस इज अनोन फ्रेंड्स। जो व्हाट्सएप ने नया अपडेट लेके आया है, जो फिंगरप्रिंट के थ्रू आप मतलब व्हाट्सएप लॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ आप कैसे एक्टिव कर सकते हैं आपके व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लॉक। तो पहले जो फिंगरप्रिंट लॉक एंड फेस अनलॉक है, आईफोन जो यूजर्स थे उनकी व्हाट्सएप में अवेलेबल था। अभी एंड्रॉइड यूजर के लिए अपडेट आ गया है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप फिंगरप्रिंट के थ्रू आपकी व्हाट्सएप अप्लाई कर सकते हो। चलिए दोस्तों देखते हैं। फ्रेंड, आपका व्हाट्सएप अपडेट नहीं है तो आप अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद आपका व्हाट्सएप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद जो टॉप राइट साइड में जो थ्री डॉट है उसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सेटिंग पे ओपन करें। तो उसके बाद जो पहला ऑप्शन है अकाउंट पे क्लिक करें। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद उसके बाद जो पहला ऑप्शन है प्राइवेसी, उसको क्लिक करें। तो हम जाएंगे नीचे, नीचे में है जो फिंगरप्रिंट लॉक, मेरा जो डिजेबल है उसको इनेबल करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो उसको इनेबल करेंगे, इनेबल करने के लिए आपको फिंगरप्रिंट के लिए पूछ रहा है, तो आप फिंगरप्रिंट दे दीजिए। तो मेरा हो गया। तो यहाँ पे आप इमीडिएटली चाहते हो फिंगरप्रिंट पूछा है या आफ्टर 1 मिनट या आफ्टर 30 मिनट, आपके हिसाब से दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे इमीडिएटली ही सिलेक्ट करूँगा। तो चलो दोस्तों देखते हैं वर्क कैसे करता है। तो मतलब तो मैं एग्जिट कर रहा हूँ व्हाट्सएप से, एग्जिट कर रहा हूँ। तो मैं इमीडिएट दिया था तो एग्जिट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं जब दोबारा व्हाट्सएप को क्लिक करूँगा तो ओपन करूँगा, यहाँ पे फिंगरप्रिंट के लिए पूछ रहा है। तो आप फिंगरप्रिंट देने के बाद ही ओपन करेगा। तो मतलब पहले से ये ज़्यादा सिक्योर हो गया है आपका व्हाट्सएप। तो मेरा इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो मेरा वीडियो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना दोस्तों। थैंक यू।